बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम यूसुफ मुनीर है और मेरा ताल्लुक चेजब से है। और आज हमारे साथ उज़ैर, सैयद उज़ैर साहब मौजूद हैं। मैं एक मुख्तसर सी तिलावत करूंगा और उसके बाद हम माइक उज़ैर साहब के हवाले करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। तिलावत के बाद हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो ज़बरदस्त सेशन है और उस सेशन को कंडक्ट करेंगे एक नौजवान, बल्कि वो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, हम तो वैसे ही आपको फेसबुक में देखते थे और जब पता चला कि अच्छा खासा आपने कोर्स और काफ़ी वैल्यू एडिशन की है अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ना। सैयद उज़ैर साहब हमारे साथ हैं। आप आगा खान यूनिवर्सिटी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के शोबे से वाबस्ता हैं और ह्यूमन रिसोर्स CHRP, ये ह्यूमन रिसोर्स का एक कोर्स है वो आपने मुकम्मल किया है। पॉसिबिलिटीज से आपने जो है वो सर्टिफिकेशन मुकम्मल किया है। इसके अलावा CIPD एक बहुत मारूफ इदारा, उससे आप डिप्लोमा कर रहे हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और भी बहुत कुछ है। आपका टॉपिक बड़ा शानदार है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आफ्टर कोविड, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उज़ैर साहब, मैं माइक आपके हवाले करता हूँ। यूसुफ, गिव मी अ मिनट। जी उज़ैर साहब, माइक आपके हवाले है, आप स्टार्ट करें। हमारे साथ सैयद उज़ैर साहब मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कोई एक छोटा सा इनकी कोई मसरूफियत आ गई है, थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच यूसुफ फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आई एम रियली सॉरी, एक जैसा मसरूफियत आ गई थी उसकी वजह से जो है मैं वो नहीं कर सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट हु हैव ऑलरेडी जॉइंड इन एंड हु विल बी जॉइनिंग इन इन फ्यू मिनट्स। सो जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट आफ्टर COVID-19। सो सबसे पहले इसके टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, सो आर फर्स्ट थीम फॉर दिस टॉपिक इज, सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ, सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सनल डेवलपमेंट एंड देन वी विल टॉक अबाउट professional development. जी उज़ैर साहब, आप मौजूद हैं। मेरे ख्याल है उज़ैर साहब
किसी मसरूफियत की वजह से एक छोटी सी, चूँकि ऑफिस में मौजूद हैं तो शायद कोई असाइनमेंट की वजह से ये कहीं गए, तो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट आफ्टर कोविड। कोरोना से पूरी दुनिया मुतासर हुई है इस वक्त, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम अब नॉर्मल हालत में अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो रहे हैं, और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम देखें कि पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर हमको क्या क्या वैल्यूएशन करनी है। जी उज़ैर साहब, आपने I'm really sorry यूसुफ, असल में थोड़ी कोई मसला नहीं, मुझे अंदाजा है जब आप ऑफिस में होते हैं ना बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, एंड यू हैव टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स। So we were talking about personal and professional development. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो बेसिकली फोकस करेगा पर्सनल डेवलपमेंट की एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। सो वी विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स कि पर्सनल डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है, और उसके बाद हम किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं, और प्लान करने के बाद किस तरीके से उस प्लान को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट फर्स्ट। सो अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूं तो पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स से व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, सो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स सेल्फ मैनेजमेंट, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। एंड वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का बेसिकली यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं और जब आप किसी वर्क प्लेस पर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, लेट्स से हाउ टू कैरी यूर सेल्फ एट योर वर्क प्लेस, किस तरीके से जो है आपने अपनी ईमेल राइटिंग पे काम करना है। ईमेल राइटिंग यूजुअली हम अपनी ऑफिशियल ऑफिस रूटीन में देख रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कॉर्पोरेट एटिकेट्स एक चीज़ होती है कि किस तरीके से आपने अपने आप को कैरी करना है इन फ्रंट ऑफ योर कॉलीग्स और योर पीयर्स और योर स्टाफ, ताकि एक आपका जो है एक फोरम बना रहे। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। सो अगर मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले जिस प्लान की मैं बात करना चाह रहा हूँ, सो हम स्टार्ट करेंगे इन फाइव डिफरेंट टॉपिक्स पे। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ योर लाइफ विजन। सो जिस चीज़ पे मुझे सबसे पहले बात करनी है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज होगा, नेक्स्ट फेज वुड बी ऑन प्लान योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, के किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। बिकॉज कोविड तकरीबन 5 महीने कोविड को हो गए, और कोविड एक ऐसी चीज़ है जिसने सबको ही तकरीबन परेशान किया है, और अब कोविड के बाद चीज़ें जो है वो बाय एंड बाय इम्प्रूव हो रही हैं, चीज़ें जो है अब रूटीन लाइफ में आ रही हैं। कोविड में एक चीज़ चली थी कि वेलकम टू द न्यू नॉर्मल, सो अब जो लोग जो है वो वेलकम टू द ओल्ड नॉर्मल पे दोबारा से आ रहे हैं। सो किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आफ्टर दिस कोविड। एंड उसके बाद जब आप प्लान कर लेते हैं तो प्लान करने के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज़ द स्टार्टिंग द इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। जो आपने प्लान की हुई अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस को, सो किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, दैट इज़ फेज नंबर 4। और फेज नंबर 4 में आपका जो मेन जो कंसर्न होता है वो दैट इज़ कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हुई हैं और जो एग्जीक्यूशन हो रही है उसको आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हाँ, जो मैंने प्लान किया था और जो मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसमें कितना गैप है। गैप एनालिसिस यहाँ पर होता है, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी बुलेट वन बाय वन। और उसके बाद जो लास्ट फेज है, दैट इज़ रिव्यू एंड रिवाइज योर डेवलपमेंट प्लान। सो इसमें फिर जो है यूजुअली जैसे जब हम 2020 स्टार्ट कर रहे थे तो बड़ी सारी वर्कशॉप्स हो रही थी, बड़े सारे लोग जो है वो प्लान बना रहे थे कि 2020 में हम क्या कर रहे होंगे, 2020 में जो है हमारा क्या प्लान होगा, हम क्या अचीव कर रहे होंगे। लेकिन अचानक से कोविड आता है मार्च में, और कोविड जो है वो सारे प्लान को जो है वो हमारे बिल्कुल डिफरेंटली जो है वो ट्रीट करता है, और जो सारे प्लान हमारे होते हैं वो चौपट हो जाते हैं एग्जैक्टली। सो फिर उसके बाद जो लास्ट फेज है, दैट इज़ रिव्यू एंड रिवाइज जो है डेवलपमेंट प्लान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ विजन की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ विजन, तो लाइफ विजन का बेसिकली यहाँ पे अगर मैं मतलब निकालूँ तो ये कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ। सो अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, कि वो क्या आपकी ज़िंदगी का विजन है कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो वो चीज़ आप अचीव कर चुके हों, या वो चीज़ आपका जो आप सोचते थे कि मैं अपनी लाइफ में जो है अपनी लाइफ से ये चाहता हूँ, तो वो विजन अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो बेसिकली आप अगर मैं विजन की बात करूँ तो विजन का मतलब ये कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव क्या, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। सो हर किसी की ज़िंदगी का पर्पस और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है।
किसी के लिए जो है वो लेट से एक स्कूल बनाना या स्कूल के लिए काम करना या टीचिंग के लिए काम करना, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैंने जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, मैंने जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करना है। किसी का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैंने खिदमत को प्रमोट करना है, मैंने किसी और चीज़ को प्रमोट करना है। सो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सो वी टॉक अबाउट विजन, सो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो विजन का आता है। विजन जो है वो आप सेट करते हैं, यूजुअली हम जिस कल्चर में रहते हैं और जो हमारे कल्चर है यहाँ पर रियलाइजेशन जो है वो इतनी जल्दी आ नहीं पाती। लोग जो है वो अपना ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी अपना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के साथ क्या करना है। सो वो या तो यूजुअली ऐसा होता है कि वो टाइम इतना लेट हो चुका होता है कि जो उनकी मेजर पार्ट है लाइफ का वो गुजर चुका होता है। बट अगर ये रियलाइजेशन आपको आपके करियर के और आपकी एजुकेशन लाइफ में हो चुकी है, और वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अगर उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि उन्होंने ज़िंदगी के साथ क्या करना है, सो सिट विथ योर सेल्फ और अपने साथ बैठिए, अपने साथ टाइम गुजारिए, ज़रा आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करने में मज़ा आता है, वो कौन कौन से ऐसे काम हैं, वो ऐसे कौन। यूजुअली मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग जब काम कर रहे होते हैं तो वो जो काम कर रहे होते हैं वो उनका पैशन नहीं होता, वो उनका शौक नहीं होता, या तो कोई मजबूरी होती है या वो काम वो स्टार्ट कर चुके होते हैं तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। सो सबसे पहले तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से काम हैं जो मुझे करने, जो मुझे करने में मज़ा आता है या मुझे मुझे उस काम को करते हुए मैं थकता नहीं हूँ। सो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ कि आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपने जो है अपनी अपने अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक वन लाइनर जो है एक विजन अपना बनाया कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जो है वो डेडिकेट करूँ अपने विजन के लिए। सो अगर मैं ईदी साहब की एग्जाम्पल दूँ तो ईदी साहब का एक बड़ा सिंपल सा विजन था, दैट इज़ कि मैंने खिदमत करनी है, खिदमत। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट विजन हो सकते हैं। तो जो भी आपका विजन है उस विजन को आप एक जगह पे मैप आउट कीजिए। मैप आउट करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ प्लान योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो दो चीज़ें आती हैं, नंबर वन इज़ आप करंटली कहाँ, अभी करंटली किस सिचुएशन में हैं और आपने जाना कहाँ है। सो अगर मैं बात करूँ करंटली आप किस सिचुएशन में है तो यहाँ पर जो बात आती है दैट इज़ कि आप अभी करंटली आपका स्किल लेवल क्या है, आपका अभी करंटली एजुकेशन लेवल क्या है, आपका करंटली इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, फाइनेंशियल लेवल क्या है, सोशल इंटरेक्शन कितनी ज़्यादा है। ठीक है, सो ये आपके करंट स्टेटस आ जाते हैं। अब आपने प्लान करना है, आपने प्लान किया कि मैंने जो है अब मेरा ये विजन है और मुझे ये अचीव करना है। सो अगर आपको वो अचीव करना है उस अचीवमेंट के लिए आपको लेट से आपका अभी इमोशनल स्किल जो है वो 60% पर है और आपने उसको 90% पर लेकर आना है, तो किस तरीके से उसको आप 90% पर लेकर आएंगे, वो क्या एक्टिविटीज़ आप कर रहे होंगे, वो क्या चीज़ें आप कर रहे होंगे कि वो आपकी चीज़ जो है वो 60 से 90% पर आ जाए। तो उसके लिए फिर पूरी प्लानिंग होती है, आप अपना पूरा पर्सनल डेवलपमेंट चार्ट बनाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपने रियलाइज़ किया व्हेन यू स्टार्ट योर करियर सो यू आइडेंटिफाइड के मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में बड़े सारे गैप हैं, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे मैं शाइनेस फील करता हूँ, या लेट से मेरी अंग्रेजी में मसला है, या लेट से मेरी ग्रामर में मसला है, या लेट से मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, या लेट से मुझे जो है वो दूसरों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं रख पाता, मुझे डर लगता है कि कोई जो है वो मुझे मेरी तरफ पॉइंट रेज ना कर दे, या लेट से मुझे मैं कॉन्फ्लिक्ट फील करता हूँ जब कोई बात कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हवाले से। सो वो ये सारी चीज़ें जब आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे करंटली गैप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अलावा टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सो मैं यूजुअली जो मीटिंग्स होती हैं उसमें लेट पहुंचता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये सारे गैप्स हो सकते हैं। मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता कि बफर टाइम का मतलब क्या होता है, या मुझे नहीं पता कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, अर्जेंट क्या चीज़ होती है, मुझे नहीं पता स्किल क्या होता है, विल क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आइडेंटिफाई आप करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज़ अ प्लानिंग फेज। सो फर्स्ट फेज जो है आपका है जिसमें आपने विजन सेट किया, विजन सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट फेज आया वो आपने अपने आप को असेसमेंट किया, अपनी असेसमेंट की, अपनी अपने आप को असेस किया कि मैं अभी करंटली किस लेवल पर हूँ, मेरा करंटली क्या लेवल है, मेरी पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ गैप्स हैं। वो गैप कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, वो गैप राइटिंग स्किल्स का हो सकता है, वो गैप पीपल मैनेजमेंट हो सकती है, वो गैप डेलीगेशन का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर पाते, वो सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं, जब वो सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं तो जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। इसी तरीके से लेट से मैंने ये चीज़ असेस की कि मुझे जो है मेरा मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता, मैं जो
है जहाँ पहुँचता हूँ, जो मीटिंग्स होती है हमेशा लेट पहुँचता हूँ, तो मैं मुझे नहीं पता कि जो एक बफर टाइम का एक कॉन्सेप्ट है उसका क्या मतलब है। तो ये सारे आपने गैप्स आइडेंटिफाई किए इन योर पर्सनालिटी। इसमें अगर मैं और डिग इन करूँ तो इसमें जैसे कम्युनिकेशन की हमने बात की, हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की, हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट की, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया है किसी कॉलीग के साथ या किसी फ्रेंड के साथ, तो मुझे उसको किस तरीके से जो है वो रिजॉल्व करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, किस तरीके से मुझे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, जो इमोशंस ट्रिगर होती हैं कोई भी सिचुएशन को देखकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस इमोशंस को मुझे किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी इमोशनल हेल्थ को किस तरीके से मैंने बैलेंस रखना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ। और ये चीज़ आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप अपने साथ टाइम गुजारें, जब आप अपने आप को टाइम दें, जब आप अपने साथ एक आपने टाइम स्केड्यूल किया हुआ है कि ये जो एक घंटा है ये एक घंटा मैंने अपने साथ गुजारना है जहाँ पर मैं अपनी पर्सनैलिटी को असेस कर रहा हूँ। सो अभी हमने बात की कम्युनिकेशन की, अभी हमने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस की, अभी हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की। इसी तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि मैं चाहता हूँ कि हर यंगस्टर्स को के अंदर ये चीज़ इनकलकेट होनी चाहिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। कि किस तरीके से आपने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो वीक है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता, या मैं बहुत ज़्यादा शाय फील करता हूँ, या मुझे एक नर्वसनेस होती है, या मैं जो है वो नहीं बोल पाता लोगों के सामने, एक फ्रस्ट्रेशन होती है, पूरी रात नहीं सो पाता जिस नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन होती है, यूसुफ ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि लोग जो है वो पूरी रात नहीं सो पाते बिकॉज उनकी नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन होती है, उनको ये डर लग रहा होता है कि पता नहीं कल क्या प्रेजेंटेशन होगी, कैसी होगी, एक नर्वसनेस होती है। तो इसी तरीके से ये वो सारे स्किल्स हैं, ये वो सारे गैप्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स के बाद हम एक और स्किल्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द पर्सुएशन स्किल्स। कि किस तरीके से आपने अपनी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सामने वाले को कन्विंस करना है, उसको पर्सुएट करना है। ऑब्वियसली जिस तरीके से आप अपने करियर लैडर पे मूव करते हैं तो वहाँ पर आपके अंदर ये स्किल्स, पर्सुएशन स्किल्स वाला जो स्किल्स है वो एक एम्बेडेड होना चाहिए। तो किस तरीके से पर्सुएट कर सकते हैं, वो क्या टेक्निक्स होती हैं, कौन सी मैंने लॉजिक को यूज़ करना है, कौन सी इमोशंस को यूज़ करना है कि मैं सामने वाले अपने स्टाफ को पर्सुएट कर सकूं और उससे जो चीज़ मैं चाहता हूं वो काम करवा सकूं। ऑब्वियसली फिर इसमें लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये वो सारे स्किल्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए, और आइडेंटिफाई करने के बाद अब जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज़ योर प्लानिंग फेज, जहाँ पर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करूँ। सो ड्यूरिंग कोविड जिस तरीके से एक टेक्नोलॉजी में चेंज आया है कि हर कोई जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा जो है वो यूज़ करना शुरू हो गया है, तो इसी तरीके से जो है कोविड के बाद जो है चीज़ें और जो है वो इनोवेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ रही है, बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। अगर मैं प्लान करूँ पर्सनल डेवलपमेंट की बात करूँ तो उसमें जो एक एलिमेंट आता है दैट इज़ द रीडिंग एलिमेंट, कि मैं कितना रीड करता हूँ किताबों को। किताबों में भी डिफरेंट जेनरे आ जाते हैं कि आप कौन सी जेनरे की किताबें पढ़ते हैं, आपके क्या मेन फोकस है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे होते हैं, और जब से कोविड की सिचुएशन आई उसके बाद से तो ऑनलाइन सेशंस की भरमार है। ऑनलाइन सेशंस आपको हर जगह मिलेंगे, हर स्पीकर जो है वो अवेलेबल है, तो आप उनके सेशंस अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे पास कंटेंट मौजूद है, मतलब यूट्यूब पे तो इतना कंटेंट मौजूद है कि पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारी जा सकती है सिर्फ यूट्यूब देखते हुए। तो यूट्यूब पे कंटेंट मौजूद है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जिसके थ्रू आर्टिकल्स मौजूद हैं, ब्लॉग्स मौजूद हैं, डिफरेंट सेमिनार्स को अटेंड किया जा सकता है, डिफरेंट वेबिनार्स को अटेंड किया जा सकता है, इसके अलावा डिफरेंट वर्कशॉप्स को अटेंड किया जा सकता है, डिफरेंट कोर्सेज किए जा सकते हैं ऑनलाइन या लाइव सेशंस जब से वो स्टार्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई किया कि लेट्स से मैं अगर एक एग्जांपल दूं, सो प्रेजेंटेशन स्किल्स एक ऐसे स्किल्स हैं जिसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। सो मुझे अब वेज फाइंड करना है कि किस तरीके से मैं अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इधर मैं कोर्स लूँ, टोस्ट मास्टर क्लब होता है एवरी वेनसडे एवरी थर्सडे, डिफरेंट क्लब्स हैं कराची में जो टोस्ट मास्टर्स के वीकली उनके सेशंस होते हैं वो मैं अटेंड कर सकता हूँ। वहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, इम्प्रॉम्प्टू पब्लिक स्पीकिंग पे बात हो रही होती है, इसके अलावा डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स से बात हो रही है जिसके थ्रू जो है वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्लान बना रहे हैं कि ये चीज़ें जिसके थ्रू मैं अपनी इस स्किल पे जो है वो स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उसमें फिर आपके पास डिफरेंट चैनल्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बात की सेमिनार्स की, वर्कशॉप की, वेबिनार्स की, इसी तरीके से जो है ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ब्लेंडेड कोर्सेज हैं, इसके अलावा लाइव सेशन हो रहे हैं।
तो वो सारी फोरम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं जो भी आपने प्लानिंग की होती है, जो भी चीज़ें आपने अपनी राइट डाउन की होती हैं कि लेट्स से मैंने जो है वो इन अ मंथ 2 वेबिनार्स अटेंड करने, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो वो आपने अटेंड किए, वहाँ से जो भी आपकी लर्निंग है उस लर्निंग को आपने उस लर्निंग पर आपने रिफ्लेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जो स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल्स का वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने किसी ऐसे कोर्स में रजिस्टर करवा लिया जो कि प्योर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे था, जहाँ पर आपने लाइव प्रैक्टिस की या जहाँ पर आपने 4 लोगों के सामने बोला, तो ऑटोमेटिकली वो जब आप वो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो चीज़ आपकी फर्दर इंप्रूव हो रही होगी। तो एग्जीक्यूशन फेज में आप एक्शन फेज में होते हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट जो आपने प्लान किया हुआ होता चीज़ों को उसको बेसिकली आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं एट डिफरेंट फोरम्स बेसिकली, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज द डॉक्यूमेंट योर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कि आपने क्या किया, आपने प्लान किया, प्लान करने के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट करने पे आए तो पॉसिबिलिटी है कि आपने प्लान किया था कि मैं महीने में 3 वेबिनार लूंगा और आपने जो है वो 3 वेबिनार नहीं ले सके, आप 2 वेबिनार ले सके, किसी वजह से आपका मिस हो गया, तो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि मैंने ये चीज़ प्लान की थी और ये चीज़ मेरी जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो आपको मंथ एंड पर और वीक एंड पर और बाय मंथली एंड पर एक रिपोर्ट मिलती रहेगी कि जो आपने चीज़ें प्लान की थी अपनी लाइफ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, रादर आप वो चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसमें कोई गैप आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई लिमिटेशंस हैं, कोई बैरियर्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और जब आइडेंटिफाई करेंगे, जब उस चीज़ को आप देखेंगे, लिखेंगे, तो आप उस बेटर कंडीशन में होंगे कि आप दोबारा से उसको रिजॉल्व कर सकें। या अगर सिर्फ ये आप ये कर देंगे कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, कहीं पर उसको राइट डाउन नहीं करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ आप मिस कर जाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने उसको सोच तो लिया है, वो कुछ देर की मोटिवेशन होगी और उसके बाद जो है वो चीज़ आपकी वाइप आउट हो जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट फेज आता है, द लास्ट फेज इज रिव्यू एंड रिवाइज योर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। इसका मतलब ये है कि जैसे 2020 जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ी सारी लोगों ने प्लानिंग की थी कि वो 2020 में ये अचीव करेंगे, 2020 में वो ये चीज़ें कर रहे होंगे, ये उनके गोल्स हैं, ये उनके डेवलपमेंट प्लान्स हैं। सो लेकिन अचानक से जो है कोविड की सिचुएशन हुई, कोविड की सिचुएशन की वजह से जो प्लान्स थे सारे, वो सारे प्लान्स जो हैं वो चौपट हो गए। सो जो प्लान किया हुआ था उसमें से आई थिंक 10% या 15% कुछ हुआ होगा, बाकी 85% जो है वो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जो है, अब जैसे सिचुएशन बेहतर हो रही है, अब दोबारा से जो है वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो उस पर फिर क्या है कि अब दोबारा से हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि जो प्लान हमने बनाए थे, तो चीज़ें अपने हमने अपने डेवलपमेंट के लिए प्लान की थी, उसमें हमें क्या चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इसी कोविड की वजह से अपने प्रोफेशन को चेंज किया, उनको लगा कि नहीं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, ये प्रोफेशन जो है वो अब कोविड के बाद सिचुएशन, दुनिया इतनी चेंज हो गई है, इतनी ज़्यादा इनोवेशन, इतनी टेक्नोलॉजी इन हो गई है, जब ये प्रोफेशन सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सो एडेप्टेबिलिटी यहाँ पर आ गई, एडेप्टेबिलिटी का आना आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एडेप्टेबल नहीं होंगे वो मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे, सर्वाइव वही लोग करेंगे जिनमें एडेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, जो चेंज मैनेजमेंट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोग जो डिनाइल मोड में होंगे, जो डिनाइल करते रहेंगे कि नहीं ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ ऐसा नहीं है, ये चीज़ वैसा नहीं है, सो एक टाइम आएगा कि वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। सो जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने आज बात की विजन की, कि विजन को हम किस तरीके से जो है वो मैप आउट कर सकते हैं, क्या हमारा विजन हो सकता है, उसके बाद किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को। उसमें फिर मैंने फर्दर बात की कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें बाकी सारे स्किल्स हैं जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आता है वो आपका एग्जीक्यूशन फेज आता है, जहाँ पर आप उस जो आपने चीज़ प्लान की है अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट फोरम एंड थ्रू डिफरेंट चैनल्स, के कौन कौन से चैनल्स को आप यूज़ कर रहे होंगे, कौन कौन से फोरम्स को यूज़ कर रहे होंगे। देन उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट योर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, इसमें आप जो है वो डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे एक्टिविटीज़ को, या जो भी आपने प्लान की हुई एक्टिविटी है और जो आपने एग्जीक्यूट किया उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे। और नेक्स्ट फेज आएगा रिव्यू एंड रिवाइज योर डेवलपमेंट प्लान, यहाँ पर जो है जो भी चेंजेस सिचुएशन के हिसाब से आती हैं, ऑब्वियसली हम प्लान कुछ और करते हैं और यूजुअली ऐसा नहीं होता कि 100% हमारा प्लान वर्कआउट करें, ऑब्वियसली हमें उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस ट्विक करना पड़ता है, वो ट्विक सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए हम कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिक्स हो जाएंगे सिचुएशन को देखते हुए, प्लान को लेकर,
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपने प्लान्स को डेवलप करते हैं। तो ये वो पांच पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम पर्सनल डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और इसमें फिर बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्री डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो इसमें आप गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपने प्लान किया था और जो आपका एक्चुअल जो आपने एग्जीक्यूट किया उसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ पर आप बेसिकली लैकिंग कर रहे हैं, कहाँ पर बैरियर्स आ रहे हैं, कहाँ आपको आप लिमिट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो वो चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आप वो प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से लिमिटेशन आ रही है या किस वजह से जो है वो चीज़ें बैरियर में आ रही हैं। इसी तरीके से अगर मैं रिव्यू एंड रिवाइज और डेवलपमेंट प्लान की बात करूँ तो यहाँ पर फिर जो है आप जब रिव्यू करेंगे और अडेप्टेबिलिटी वाली बात आएगी यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी होती हैं, सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपने आपने अपने प्लान को ट्विक करना होता है सिचुएशन को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए। आपने जब प्लान बनाया था उस वक्त कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, उस वक्त मार्केट कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, बट अब जो है वो मार्केट कंडीशन बहुत डिफरेंट है, तो आपके हिसाब से जो है वो आपको अपने हिसाब से जो है उसी मार्केट को देखते हुए, उसी सिचुएशन को देखते हुए आप अपने प्लान्स को जो है वो ट्विक कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे, ताकि आप जो है वो उस जगह पे सर्वाइव कर सकें। बिकॉज कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है वो सिचुएशन में जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। अब इस जॉब मार्केट की अगर हम बात करें तो इस जॉब मार्केट में सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिनके पास कुछ एडिशनल कोई एज है, कोई एडिशनल टेक्निकल स्किल है जिसके थ्रू जो है वो 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 सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज जो है चीज़ें बड़ी इंप्रूव हो रही हैं, बट यहाँ पर जो है बड़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट प्लान के थ्रू जो है आप कर सकते हैं। यूसुफ जी, उज़ैर भाई जी, कोई सवाल आया है हमारे पास? अच्छा उज़ैर भाई, एक सवाल मेरे ध्यान में था, मैं सोच रहा था कि आपसे आखिर में ये सवाल पूछूं, तो सवाल एंड में लें, मेरे पास दो तीन सवाल है। आप स्टार्ट कीजिए सवाल लेना। अच्छा उज़ैर भाई, आपने जो सारी स्किल्स की बात की है ये सारी सॉफ्ट स्किल है, और कोविड के बाद ये भी हम सुन रहे हैं कि जो हार्ड स्किल है जिसको हम टेक्निकल स्किल्स भी कहते हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर भी बड़ी तब्दीली आएंगी, क्या उस पे को बात करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, मैं अगर मैं लर्निंग की बात करूं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करूं, हम लोग बड़ा पैशनेट होते हैं जब हम सेशंस करवा रहे होते हैं, जब हम लाइव सेशंस करवा रहे होते हैं, जब हमारे पब्लिक स्पीकिंग सेशन चल रहे होते हैं। इसी तरीके से अब हमारा जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एज ए लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, हमारा फोकस जो है अब टेक्नोलॉजी साइड पर भी आ गया। सो लेट्स से मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो आई एम लर्निंग 2D एनिमेशन, आई एम लर्निंग 3D एनिमेशन, बिकॉज अब ये वो स्किल्स हैं जो कि आपको एज ए लर्निंग प्रोफेशनल चाहिए। सो पहले हम लाइव सेशंस करवाते थे, पहले हम स्पॉटलाइट में होते थे तो सेशन हो जाते थे, बट अब जो है जो अप्रोच जो डाइवर्ट हो रही है वो टूवर्ड्स ब्लेंडेड सेशन हो रही है। लाइव सेशंस तो होंगे, बट लाइव सेशंस के साथ जो फोकस होगा वो ऑनलाइन सेशंस पे भी हुआ करेगा। अब ऑनलाइन सेशन में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जूम एक एप्लीकेशन है, इसी तरीके से टीम्स एक एप्लीकेशन है। चलें, ये तो आपके लाइव सेशन हो गए, इंस्ट्रक्टर लेड सेशन हो गए, बट वहाँ जहाँ सेल्फ पे सेशन आपने बनाने तो वहां पर फिर आपको वीडियोस के साथ साथ एनिमेशन भी चाहिए होगी, आपको जो है वो ग्राफिक्स वाली चीजें भी चाहिए होंगी, आपको जो है वो 3D एनिमेशन भी चाहिए होगी, मोशन ग्राफिक्स भी चाहिए होगी। ये वो स्किल्स हैं जो एज अ लर्निंग प्रोफेशनल अब आने चाहिए। अगर मैं पहले कोविड से पहले की बात करूं तो उसकी तरफ इतना फोकस नहीं था, बिकॉज लोग ज्यादा फोकस करते थे कॉन्टेंट पर, लोग ज्यादा फोकस करते थे डिलीवरी पे कि डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, कॉन्टेंट कितना रिच होना चाहिए, कॉन्टेंट की अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए। बट आफ्टर कोविड सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। सही है, कंटेंट पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपकी डिलीवरी पे, बट उसके साथ साथ ये जो एडिशनल स्किल्स हैं ये भी ऐड करने पड़ेंगे अगर हमें को अब अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है। या अच्छा उज़ैर साहब, एक और क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी से बहुत सारे नौजवान फारिग होते हैं, MBA कर लेते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जॉब मार्केट की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है इस वक्त। आप बेहतर जानते हैं, आप चूंकि खुद HR से आपका ताल्लुक है, बहुत बुरे हाल। तो इस पे भी बात करें, उन नौजवानों को क्या मशवरा देंगे डिग्री के साथ, वो क्या करें और क्या कौन सी डिग्री जो है वो, खैर ये इस पे तो खैर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंसान की अपनी एप्टीट्यूड है, अपना पैशन होता है, हाँ, जिस फील्ड को अख्तियार करना चाहे। लेकिन फिर भी जो इस वक्त जॉब मार्केट है या इस वक्त जो एक और तस्वीर बहुत ज्यादा आम है एंटरप्रेन्योरशिप का बात हो रही है, यानी इस पे जो है वो जो इंटरनेशनल कुछ इदारे हैं UNDP
यूनाइटेड नेशन यू डेवलपमेंट प्रोग्राम और भी बहुत सारे इदारे हैं वो इस पर जोर दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस पर भी जरा बात करें, कॉमेंट करें कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कौन से एप्टीट्यूड को अपना कर जॉब मार्केट के अंदर उनको आना चाहिए। देखिए यूसुफ, जब हम बात करते हैं ना करियर की और जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जब हम बात करते हैं जॉब मार्केट की, तो उसमें हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना और डिफरेंट एक्सपीरियंस होना कुछ में कोई बुरी बात नहीं है। सो अगर मैं आप मेरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो मेरा पर्सपेक्टिव इस चीज़ को लेकर बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है कि मेरे मुताबिक अगर मैं अपनी बात करूँ, अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ, सो एज ए यंगस्टर, जब एक यंगस्टर अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट करता है या मास्टर्स कम्प्लीट करता है, सो आई थिंक उसको शुरू में इनिशियली जॉब करनी चाहिए। उसका रीज़न ये कि जब तक वो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो एक सिस्टम को रन कैसे कर सकता है, ठीक है। तो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या सिस्टम्स होते हैं, किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट करती हैं, और उसके बाद पे जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आता है या अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आता है, तो वहाँ पे वो बेटर कंडीशन में होता है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, बिकॉज उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होता है, एक उसने जगह पे काम किया होता है, वो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड कर सकता होगा। वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक बड़ा बड़ा वास्ट टॉपिक है कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद सिस्टम्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, लोगों को कैसे चलाना है, ये बड़ा मेजर स्किल है। जिसको अगर ये चीज़ आती है कि लोगों को कैसे चलाना है, तो वो सारे काम कर सकता है, बिकॉज सारा जो गेम अल्टीमेटली आके अटकता है वो आता है पीपल मैनेजमेंट पे, कि किस तरीके से आप अपने लोगों को रिसोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप बात करते हैं एज अ यंगस्टर, तो एज अ यंगस्टर मैं एक चीज़ प्रेफर करता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद आप फॉरन मास्टर्स ना करें। उसका रीज़न है वो ये है यूसुफ कि अगर आप ग्रेजुएशन के फॉरन बाद मास्टर्स करते हैं, तो जो मास्टर्स में जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं, जो चीज़ें यूज हो रही होती हैं, जो चीज़ें आपको फैकल्टी बता रही होती है, आई थिंक वो चीज़ आप पिक नहीं कर पाते। वंस आप ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन के बाद आप थोड़ा एक्सपीरियंस लें 2-2.5-3-4 साल का, और 3-4 साल के बाद जो है आप अपना मास्टर्स करें। और मास्टर्स करने की भी मेरी लॉजिक, अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरी लॉजिक ये है कि आप मॉर्निंग मास्टर्स ना करें। उसके रीजन ये कि अगर आप मॉर्निंग मास्टर्स करते हैं, तो उसमें जो जेंट्री आ रही होती है वो इनएक्सपीरियंस जेंट्री होती है, ठीक है। वो जेंट्री होती है जिन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया हुआ होता है, वो बैचलर्स कंप्लीट करके जो है वो डायरेक्टली मास्टर्स में अपने आप को इनरोल करवा लेते हैं। अगर आप इवनिंग मास्टर्स करते हैं या एग्जीक्यूटिव मास्टर वीकेंड मास्टर करते हैं, तो उसमें होता ही है, उसमें जो ऑडियंस आपके साथ बैठी हुई होती है वो ऑडियंस एक्सपीरियंस ऑडियंस होती है, और जो फैकल्टी होती है वो विजिटिंग फैकल्टी होती है। सो जो विजिटिंग फैकल्टी होती है उसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, और जो 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 शाम में जो लोग आ रहे होते हैं ऑफिस से, वो सारे एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स होते हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस इंडिविजुअल में बैठते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या बेसिकली नॉर्म्स एंड कंडीशन है, क्या चीज़ें हैं। तो ये एक बड़ी लर्निंग है, मतलब मेरे हिसाब से, कि अगर आपने मास्टर्स करना ही है, तो मास्टर्स करने के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होता है कि आप जो है वो सुबह जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के साथ जो है वो शाम में मास्टर्स कर रहे हैं, या इवनिंग में या वीकेंड पे जो है अपनी फैमिली वाला टाइम कॉम्प्रोमाइज करके आप मास्टर्स कर रहे हैं। बट वो उसमें जो आपकी एक लर्निंग होती है वो ये होती है कि आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए होते हैं वो सारे एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स होते हैं, और जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है वो सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है, वो कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। और ऑब्वियसली इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट मानेंगे कि जो जब कोई काम कर रहा होता है, तो उसका एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो सिर्फ मतलब ये कि बैचलर्स करके जो है वो मास्टर्स करें, तो बहुत डिफरेंस होता है, वो माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है, वो एक्सपीरियंस का डिफरेंस आ जाता है। ऑब्वियसली जब मैं एक ऐसी क्लास में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर लेट्स से 30 इनरोल्ड स्टूडेंट जो है वो 30 डिफरेंट कंपनीज हैं, और जब वो एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ से जो लर्निंग का जो पैराडाइम है वो बिल्कुल डिफरेंट मोड पर निकल जाता है। रादर मैं उस क्लास में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो सारे ग्रेजुएट्स होकर आए और सारे इनएक्सपीरियंस हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस का जो एक डिफरेंस आता है ना, वो उस चीज़ को आप कवर नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जो यंगस्टर्स अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो अपने मास्टर्स का प्लान कर रहे हैं, उनको एक सजेशन है, वो सजेशन यही है कि कोशिश करें कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें, और कोशिश करें कि किसी छोटी जगह पे काम करें। छोटी जगह पे काम करने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे काम मिल जाते हैं, जब आप बहुत सारे काम करते हैं तो आपको बड़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, और जब बड़ी सारी चीज़ों का पता चलता है तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने किस चीज़ पर काम करना है, कौन सा काम होना चाहिए, किस चीज़ को आपने अपनी फील्ड बनाना है। यूजुअली जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट्स कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर्स ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, वो चीज़ प्लान नहीं कर पा रहे होते कि उन्होंने अपना करियर किस चीज़ में परस्यू करना है, बिकॉज इतने डाउट्स होते हैं, फैमिली ने उनको पुश किया हुआ होता है, और वो किसी को फॉलो करते हुए वो उस जगह पे आ चुके होते हैं, बट उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर पर्सनल इंटरेस्ट को आपने देखना है,
तो पहले आप काम करें, आपको काम करें, जब आप अपने हाथ से काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा ऐसा काम है जब वो करने में मजा आता है। जब वो काम करने में आपको मजा आता है तो फिर अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है जहां पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये चीज मेरी चीज होनी चाहिए, ये मेरा मेरी फील्ड होनी चाहिए। और जब आप एक चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जब आप उसी चीज में भी मास्टर्स करेंगे और आप अपना MBA करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस चीज में आप फिर ग्रो भी करते हैं। तो ये दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच है ये कि आप मास्टर्स मॉर्निंग में करें जैसे सब लोग कर रहे होते हैं, बट यूजुअली उसमें जो एक जो लिमिटेशन मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि उसमें जो ऑडियंस जेंट्री बैठी होती है वो इनएक्सपीरियंस जेंट्री होती है। लेकिन जब आप इवनिंग में आते हैं तो इवनिंग में जो जेंट्री बैठी हुई होती है, जो ऑडियंस आपके साथ होती है, जो पार्टिसिपेंट आपके साथ होते हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट जो है वो एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट होते हैं। उनके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो जो नेटवर्किंग होती है वो उससे आपको बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मेन डिफरेंस है बिटवीन दीज टू थिंग्स। अच्छा उजैर साहब, ये चैट बॉक्स में आप देखें तो मैडम सना हमारे साथ हैं। मैडम सना जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड से वाबस्ता हैं और लर्निंग सेंटर की इंचार्ज भी हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हाउ कैन फीमेल्स हु कैन नॉट गेट जॉब डू इन दिस कोविड सिचुएशन टू गेट जॉब और स्टार्ट अ बिजनेस। जी क्या मशवरा देंगे? So how can females who cannot get job do in this COVID situation to get job or start a business? So इसमें जो है अभी देखें जैसा जो कंडीशन अभी चल रही है, जॉब मार्केट इज़ वेरी टफ और जॉब जो है वो इतनी आसानी से मिल नहीं रही है। इनफैक्ट हर जगह जो है वो हायरिंग फ्रीज हुई हुई है। तो इसमें जो फीमेल्स हैं उनके लिए अब ये किया जा सकता है कि वो होम मेड बिजनेस जो होता है, जो घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है फूड बिजनेस स्टार्ट किया है घर से, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट मार्जिन से स्टार्ट किया और वो माशाल्लाह से इट्स ग्रोइंग ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। तो ये देखा जा सकता है। इसके अलावा जो भी कंडीशन है जॉब्स की वो बड़ी टफ है। द हायरिंग इज ऑलमोस्ट फ्रीज एवरीवेयर, हर जगह हायरिंग फ्रीज हुई हुई है। और जो बिजनेस है अभी, बिजनेस भी जो है वो जो बड़े बिजनेस हैं वो भी इतना कोई सच वो नहीं कर रहे, बट स्टिल। तो इसमें ये किया जा सकता है, इसमें जो है वो घर से कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। इसमें फूड का बिजनेस है, डिफरेंट फीमेल्स ने जो है वो स्टार्ट किया है फ्रेम्स का बिजनेस, मैंने ये भी चीज़ नोट की है, फ्रेम्स का बिजनेस, की चेन्स का बिजनेस। इसी तरीके से जो है वो प्रिंटिंग का जो एक सेटअप होता है, उन्होंने प्रिंटिंग का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। जो कप्स वगैरह पे, जो मग्स वगैरह पे प्रिंटिंग होती है, पैंस पे जो प्रिंटिंग होती है, वो स्टार्ट किया जा सकता है। स्मॉल स्केल बिजनेस है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, शॉर्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अभी जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि सर्वाइव किस तरीके से करना है। एक दफ़ा आप सर्वाइव कर जाएंगे सिचुएशन में, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा उजैर साहब, फेसबुक में एक साहब ने सवाल पूछा है, ये अब पता नहीं आज का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन हाउ टू स्टार्ट यंगस्टर्स सेल्फ बिजनेस आफ्टर ग्रेजुएशन। देखिए इसमें यूसुफ बहुत सारे ऑप्शन है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के। वही वाली बात है कि आपका आपका बेसिकली आइडिया क्या है, आपका आइडिया जो है वो वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका आइडिया क्या है। सो उस आइडिया पे काम करने के लिए पहले आपको बिजनेस का पता होना चाहिए, आपको मार्केट का पता होना चाहिए, मार्केट रिसर्च आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई जो मैं पहले बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद जो 2-3 साल की जो जॉब होती है वो आपको डिफरेंट सिस्टम के बारे में बताती है कि किस तरीके से सिस्टम वर्कआउट करता है, कैसे लोगों को लेके चलना है, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। अब रिसोर्सेज में आपके पास आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। जब आप वो चीज़ सीख लेते हैं, जब आपको वो चीज़ आती है तो उसके बाद फिर जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्कआउट करना शुरू हो जाती हैं। और फिर अगर आपने बिजनेस में भी आना है तो बिजनेस में आप इस तरीके से आ सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस की अगर आप बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस तो बहुत सारे डिफरेंट फोरम्स हैं जो आपको ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए एक्सपीरियंस होना बड़ा ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस आता है काम करने से। जब आप काम करेंगे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैंने जो चीज़ें सीखने वाली थी वो सीख ली हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये मैडम फरीहा जो है वो फरीहा शम्स, इन्होंने कहा है, मुझसे पूछा है कि मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मैडम आपको इजाजत है, आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम फरिया शम्स है और मैं इस वक्त एमफिल कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और मैंने 5 years back मैंने MBA किया था अपना बैंकिंग एंड फाइनेंस में। तो आपके बात सर हुजैर मुझे बहुत अच्छी लगी, ये बात कि
ग्रेजुएशन के फौरी बाद जो है आप मास्टर्स ना करें, बिल्कुल बल्कि कुछ कुछ ईयर के एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है, सो दैट यू नो कि जब आप मास्टर्स करने जा रहे होते हैं वहां पे जो आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं वो आप अच्छे तरीके से ग्रेस्प कर रहे होते हैं. लेकिन लेकिन क्या हुई कंडीशन, और ये कंडीशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जैसा कि आपने भी बताया कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद जब हम मास्टर्स करने करते हैं हम, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं कि वो मास्टर्स की डिग्री परस्यू करने जा रहे हैं, और फिर जो है उनको जॉब्स बहुत अच्छी मिलेंगी, और मतलब कि वो जो एक सुहाने ख्वाब वाला जो माहौल होता है ना, वो पेरेंट्स के दिमाग में भी होता है और बच्चों के दिमाग में भी होता है. लेकिन वंस वो मास्टर्स के बाद जब अपनी फील्ड में जाते हैं, और फिर जब वहाँ की एक्सपीरियंस को जब वो गेन करना स्टार्ट करते हैं, देन दे कम टू नो कि ये तो उनकी जगह ही नहीं है. ठीक है, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद फिर जब वो उस जगह से जब स्विच करने की, या मैं अगर आपको अगर अपनी कंडीशन बताऊं तो बस उस प्लेस से जान छुड़ाने की जगह जो है जान छुड़ाना चाहते हैं, या फिर मैंने चाहा था. ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, और वाकई आपको, या फिर आपको स्विच करना चाहिए, या फिर कि ये सोच करके देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर ये सोच करना चाहिए कि यार अब तो 3-4 साल हो चुके हैं अब जगह पर, अब बस बैठो इसी जगह पर. क्योंकि मेरा जो मेरे मेरी जो डिग्री थी एमबीए में बैंकिंग एंड फाइनेंस में, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थी कि मैं बैंकिंग ही ज्वाइन करूंगी, एंड आफ्टर सर्विंग फॉर अबाउट 3 ईयर्स इन बैंक, सुनहरी बैंक, AKU ब्रांच. ठीक है, ओके उसके अच्छा एक बाद ही ब्रांच में फिर, ही थी आप ओके जी हाँ बिल्कुल, AKU ओके ब्रांच में ही थी मैं वहां पर, और वहां पर जो माहौल मुझे मिला, माशाल्लाह माहौल बहुत अच्छा था. लेकिन 3 साल तकरीबन सर्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस बस हो चुकी है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी ये बिल्कुल फील्ड नहीं है. तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी सूरत देखिए में? आपने पहली चीज तो रियलाइज कर ली कि वो आपकी फील्ड नहीं है ठीक है। बिल्कुल तो उसमें उसमें दो चीजें होती हैं फरीहा। पहली चीज तो ये होती है कि वी ऑल आर मिलेनियल्स ठीक है। हमारे हमारे जो बेसिकली माइंडसेट है वो ये कि हम 1 साल 1.5 साल 2 साल जॉब करते हैं कि काम करते हैं उसके बाद हम जो है चाहते हैं कि हमें कोई नई चीज मिले हम कोई नई चीज जो है वो करें। सो उसमें फिर ये कि पहली चीज तो ये कि जॉब रोटेशन और जॉब एनरिचमेंट जब जॉब आप कहीं काम कर रहे होते हैं और वहां पर आप अपने सुपरवाइजर से बात करते हैं कि मैं ये करंटली करंट मेरी JD है करंट मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है बट मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ या मैं इस चीज़ को जो है वो मैं कोई और काम करना चाहता हूँ। अगर वो चीज़ वहाँ पॉसिबल है जॉब इनलार्जमेंट पॉसिबल है या आपकी जॉब रोटेशन हो सकती है आप एक डिपार्टमेंट में आप दूसरे डिपार्टमेंट में मूव होती हैं और वहाँ पर आपको वो चीज़ पॉसिबिलिटी मिलती है तो वेल एंड गुड। अगर वो चीज़ नहीं होती तो ऑफकोर्स फिर आप अब बंदा अपनी ग्रोथ देखता है क्या मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही मैं 2 साल मैंने काम किया है 2.5 साल काम किया मैं 3 साल बाद यहाँ पर किस जगह पर रहूंगा क्या मेरा करियर प्रोग्रेशन है। तो उसके बाद फिर आप प्लान करते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना मुझे स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए भी फिर डिफरेंट ऑप्शन है जो एक बंदा एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंटरनली देखा जाए कि वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो चीज़ इंटरनली पॉसिबल नहीं है फिर उसके बाद आप देखें कि आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो जॉब स्विच कहाँ कर रहे हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा सेक्टर है क्या वहाँ पे माइंडसेट है क्या वहाँ पे कल्चर है ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है आप स्विच करते हैं और स्विच करने के बाद फिर आप जो भी आपका शौक है जो भी आपका पैशन है उसकी उसकी तरफ आप डाइवर्ट होते हैं। सो अच्छी बात ये कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये चीज़ आपका आपका काम नहीं है आपका शौक नहीं है और आई एम श्योर कि अब आपको आपका पैशन मिल चुका होगा। आई एम 100% श्योर। सो जी फरिया कुछ बोल रही हैं आप। यस बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. मुझे वहां पर, बल्कि मैंने दूसरा भी बैंक स्विच किया था, उसके बाद फिर वहां से भी मैंने, वहां से फिर अपना करियर ही स्विच किया, प्रोफेशन ही चेंज किया, क्योंकि रियलाइज हो गया था कि मेरा जो पैशन है या जो मेरा प्रोफेशन है वो टीचिंग होना चाहिए. बट अगेन जब मैं टीचिंग की तरफ आई, तो फिर उन्होंने जब मेरी CV पर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखा कि ये मैं आई वॉज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर, और यू कैन से के स्कूल की तरफ जब गई थी, तो उनका बस यही एक जो रिजर्वेशन थी कि आप तो बैंकिंग प्रोफेशनल है, आप कैसे करेंगी टीचिंग. बिल्कुल तो फिर यहाँ पर अभी तक मुझे ये चैलेंजेस का सामना है So, स्टिल, तो मुझे ये समझ नहीं असल आता में कितना टाइम फरिया लगेगा. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि लोग आपको आपके पास पे जज करते हैं ठीक है। लोग ये नहीं बिल्कुल देखते कि जो 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 सामने वाला बंदा है उसका पैशन क्या है वो किस चीज में डिलीवर कर सकता है।
रादर आप अगर बैंकिंग में भी होती हैं और आप पैशनेट नहीं होती हैं तो आप सही आपको जॉब मिल जाती है, बट आप डिलीवर नहीं कर पाती, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए होती, ठीक है। बट अब आपका पैशन टीचिंग है, सो ऑब्वियसली आप टीचिंग में एफर्ट्स भी मार रही होंगी, आप जो है वो अपनी एजुकेशन पे भी फोकस किया हुआ है आपने, आप एमफिल भी कर रही है माशाल्लाह से। तो ये कि अब जो जो आपको पहली बात तो जज करना ही नहीं चाहिए, सही है। दूसरी बात ये कि अगर एक बंदे का पैशन है और वो डिलीवर कर सकता है तो व्हाई नॉट एज अ टीचर। और हमारे पास तो टीचिंग में बड़ा रूम है, टीचिंग में तो अभी बड़ी इनोवेशन आनी है, टीचिंग में तो बड़ा अभी डेवलपमेंट होनी है टीचिंग प्रोफेशन में, बिकॉज ये वो फील्ड है जो इवॉल्व कर रही है। अब लोग टीचिंग की तरफ फुल टाइम आ रहे हैं, फुल टाइम टीचिंग कर रहे हैं। सो जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो कल्चर है वो यही है कि आपने अगर पास्ट में कहीं जॉब की हुई होती उसके बाद आपने करियर स्विच किया हुआ होता है, लेट्स से आपने अपना बैचलर्स किया हुआ होता लेट्स से बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बाद MBA आप कर लेते फाइनेंस में, तो आप पूरी जिंदगी बस इस सवाल का जवाब दे रहे होते कि आपने माइक्रोबायोलॉजी के बाद कैसे फाइनेंस कर लिया। बिल्कुल, जी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जब बात आती है रेम्यूनरेशन की, जब आप सैलरी पैकेज की तरफ जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो मुझे कहा गया और स्टिल कहा जाता है कि जो बैंक में सैलरी थी आपकी वो तो आप भूल जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ, उसके हाफ के भी आप पर आ जाओ। तो इट इज स्टिल कि ये एक फैक्टर ऑफ डिमोटिवेशन होता है कि मैं तो मतलब मेरी क्या, मेरी डिग्री की या मेरी क्या वैल्यू है कि मैं स्विच भी नहीं कर सकती। मतलब कि मैंने 3 years एक्सपीरियंस लेकर अब इतना मैंने आपको वेस्ट किया है क्या कि मुझे मेरी मार्केट में ये वैल्यू भी नहीं है कि मुझे इस हिसाब की जो है वो मुझे पे की जाए। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती हैं। और मेरे साथ साथ मैं तो ये इस वक्त अपनी स्टोरी बता रही हूँ और ऐसे बहुत सारे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इस सिचुएशन से जो है अभी भी सफर कर रहे हैं और स्टिल जॉबलेस हैं अभी भी। तो उनका क्या, उनके क्या बिल्कुल जॉबलेस हैं उसके लिए हम कर ही सकते हैं। इनफैक्ट फरिया, इनफैक्ट सबके लिए ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो पर्सनल डेवलपमेंट पे उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, उस पर हम फोकस करें, अपने आप को डेली इंप्रूव करें। ऑब्वियसली हम अपने आप को डेली इंप्रूव करेंगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ऑब्वियसली चीज़ें होने में टाइम लगता है, चीज़ें वर्कआउट करने में टाइम लगता है, तो एक टाइम आता है कि चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं। बट ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना, लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा, एक लाइफ जरूर एक मौका किसी को देती है कि वो टाइम आता है कि जहां पर चीजें वर्कआउट करना शुरू हो जाती हैं। सो गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर द बेस्ट फॉर माइसेल्फ एंड फॉर एवरीवन। यस, श्योर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। यूसुफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा कि वो फरिया चूंकि मेरी क्लास फेलो भी है यूनिवर्सिटी के साथ, एमफिल कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा, ये एक शर्जील साहब हैं, उन्होंने तारीफ की है मिस फरिया की कि उन्होंने लिखा है कि फील्ड स्विच करना बिल्कुल इजी डिसीजन नहीं होता, लेकिन बिल्कुल बहुत मुश्किल डिसीजन होता है यूसुफ, और पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में फील्ड चेंज करते हैं तो आप फिर जो है ना तकरीबन अपने मिड करियर तक सिर्फ लोगों को जवाब दे रहे होते हैं कि भाई आपने कैसे मार्केटिंग से फाइनेंस में आप आ गए, या कैसे आप इंजीनियरिंग से मार्केटिंग साइड पर आ गए, बिकॉज हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जो आपकी पहली फील्ड होती है वो आप फील्ड पिक करते हैं किसी प्रेशर में आकर, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके पिक करते हैं, या आपने किसी को फॉलो किया हुआ होता है, आप उसको उसकी वजह से पिक कर लेते हैं, या आपको बताया जाता है कि जो है आपको बताया जाता है कि लेट्स से फला फील्ड में जो है ना फला स्कोप है और फला चीजें हैं, फला सारी वो हैं, तो आप उस चीज को देखते हुए जो है उस फील्ड में घुस जाते हैं। तो लेकिन जब अल्टीमेटली आप उस पॉइंट पर आते हैं तो उस पॉइंट पर आने के बाद आप जो है वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, सही, इसको बहुत अच्छा होगा बट मुझे इस फील्ड में मजा नहीं आता, मुझे इस फील्ड में शौक नहीं है, या मैं इस चीज को जो है ना वो परस्यू नहीं कर सकता। लेकिन अल्टीमेटली जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, एक पॉइंट आता है कि चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट करना शुरू होती हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होती हैं, बिकॉज जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो एक एनर्जी आपके अंदर बिल्ड होना शुरू होती है, वो एनर्जी आपकी आंखों की चमक के थ्रू बताती है, और फिर आप लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये जो बंदा है ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, वो पैशन दिखता है। सो इसीलिए एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन है जो मैं हर जगह कोट भी करता हूँ, अ पर्सन विद पैशन एंड डिटर्मिनेशन इज मोर डेंजरस देन अ पर्सन विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो जो बंदा पैशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करता है यूसुफ, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज वो एनर्जी डिफरेंट होती है। वो ये नहीं बोलता बंदा कि यार मैं थक गया हूँ,
बस मुझे 5 बजे घर निकलना है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरा जो ऑफिस टाइम है वो 9 to 6 वाला है। वो 9 to 6 वाले लोग नहीं होते, 9 to 6 वाले जो पैशनेट लोग होते हैं वो 9 to 6 वाले नहीं होते, वो काम करते हैं, वो डिलीवर करके देते हैं, और फिर एक पॉइंट आता है कि खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक और स्टोरी मैडम सना हसन की भी है। माशाल्लाह, ये मैडम ने ACCA मुकम्मल किया था और फाइनेंस PPL में फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी, बल्कि फाइनेंस में थी या ऑडिट में थी, तो इन्होंने भी फैसला किया और ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट में आ गई। मैडम ये कुछ अगर कहना चाहें तो आप कह सकती हैं माइक अनम्यूट करके। सना हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सना, कैसी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। Yes, I switched from finance to learning and development, and I was going through the same thing. I couldn't enjoy finance because of the reason that finance is very repetitive. Yes. And especially if you are in investments or even treasury, though you are dealing with a very large portfolio, billions, it's like 20, 30, 40 billions. But then again, the process is the same. Yeah. You have to go through the same process. So there's nothing new. You are in treasury, you are in banking, you are in investments, or you are in, even if you are in insurance. General accounting, insurance, accounting, payables, payments, this is all very repetitive. True. As compared to you come to other departments, which is learning and development, which is community development, dusre projects hote hain, NGOs hain, usme bilkul hi, the point there will be a lesser pay, but then again, the development, your passion will be there. So Faria can also switch to learning and development. Universities mein departments hote hain, IBA hai, CPM hai, Zabist hai, even jo dusri universities hain, jo log third tier universities kehte hain, second tier jo Iqra University hai, or PF Keet hai, ye sab jo bhi universities hain, and they are also doing good now. DHS Safa hai. तो इसमें सब में लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, शी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन शी कैन ट्रेनिंग्स एज वेल और देन अगेन शी कैन स्टार्ट बीइंग अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है। डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पैशन टू स्टार्ट अगेन, इट्स रियली टफ। बिकॉज़ व्हेन यू हैव अटेंड अ पोजीशन इन वन डिपार्टमेंट, फाइनेंस में आप सीनियर हो गए हो और फिर आप डेवलपमेंट में आके फिर आप जूनियर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो एंड सना यू कीप जस्टिफाइंग टू पीपल के व्हाई डिड यू स्विच फ्रॉम फाइनेंस टू लर्निंग एंड डेवलपमेंट। Yes, that's initially initially लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस बात को कि यार फाइनेंस से लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, फाइनेंस से मार्केटिंग में, व्हाई यू लेफ्ट द फाइनेंस फील्ड। यस, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ फाइनेंस छोड़िए, ACCA, इवन टुडे पीपल आस्क मी कि आपकी ACCA डिग्री का क्या होगा। It will help you everywhere. It will help you because you know the business knowledge. You have that business knowledge, जो एक simple BBA MBA वाले के पास नहीं होगी. I'm 100% sure. तो ये वाली चीजें, तो people have various questions and then again I do justify them and satisfy them कि ACCA did play a major role. Major role, in my no life. Doubt. I did attain a good position, but then again, I have my own passion. I was not enjoying finance. Finance mein late sittings bhi bahut zyada hoti hain. Bahut zyada hoti hain. Aur aapko wo aapka passion bhi nahi hota. Acha, ek sana, sorry for interrupting. Ek difference hai. Jo finance wali late sitting hai aur jo learning wali late sitting hai, usme I'm 100% sure fark hoga. So jo learning wali late sitting hai, wo aapko karne mein maza bhi aata hoga. Nahi yaar, koi masla nahi hai. Content develop karna hai kal ke session ke liye, to why not? So there's a difference between majboori and a passion. Yes, there's creativity, there's artistic instinct, there's intellect you're applying. Or as compared to finance, aap baithe hue hain, lekin wohi aapko pata hai, aapko wohi Excel pe sheetein banani hai jo pehle bani. Keyboard press kiye ja rahe hain. I'm really sorry, agar koi finance wala hame sun raha hai, I'm really really sorry. So everyone has their passion. There people are there who are excelling in finance, who love numbers. Hamari yahan mashallah PPL mein log hain jo there's a guy, he excelled and he's very young and he's manager in finance. Mashallah. Very young, 30s mein yoga, aur mere khayal se hardly 6 to 8 years mein wo, ya 10 years maximum mein wo finance ka head ban gaya. He loves numbers
एंड ही नोज द नंबर्स लाइक अपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके उसे नंबर सारे पता होते हैं कि 2010 में क्या नंबर था 12 में 15 में तो देयर आर पीपल हु लव दैट वो अलग बात है कि एंड देयर इवन फीमेल्स हु लव फाइनेंस बट इट डिपेंड्स टू पीपल Yeah. So I wasn't enjoying it, so I switched. I know switching a career is really hard. Starting again is very hard. You are very demotivated because people keep questioning you. People keep intruding you. So it's really hard to you have to motivate yourself every day. You have to self-motivate, I would say. What would you say, Yusuf? Am I true? जी मैडम बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट सेल्फ मोटिवेशन के बगैर तो काम चलता ही नहीं जब आप अपने करियर को स्विच कर रहे होते हैं बिकॉज आपकी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि जैसे आपने बात की ACC की डिग्री की ACC सर्टिफिकेशन की आपने ACC करने के बाद लोगों ने आपसे कहा कि ACC की डिग्री ACC की सर्टिफिकेशन जाएगा कहाँ क्या उसकी वर्थ है तो ऑब्वियसली वो चीज़ उनकी उनके पर्सपेक्टिव में बिल्कुल जो है वो वर्थलेस होती है बट वैसे अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली आपको ACC आगे चल के कहीं ना कहीं एज देगा वो बिजनेस क्वालिफिकेशन और जो बिजनेस नॉलेज आपने गेन किया है ड्यूरिंग योर ACC है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह या थैंक यू एक सवाल और फेसबुक में एक साहब ने पूछा है जी पूछते हैं कि व्हाट इज योर विजन योर लाइफ विजन एक नया तालिबे इल्म को कैसे उजागर करेगा जबकि घर के सरबरा अलग अलग मशवरा देते हैं वो खुद कैसे अपने मकसद का तय करें देखिए यूसुफ ये जो सवाल है ना कि अपना विजन कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है वो उसी वक्त आता है जब आप चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जब आप ऑब्वियसली जब आप पढ़ के बाहर निकलते हैं काम करना शुरू करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होना शुरू होता है आप रियलाइज करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से मैं अपने विजन को डेवलप करूँ या किस तरीके से मैं अपने विजन को आइडेंटिफाई करूँ सो ऑब्वियसली जब आप वो चीज़ आती है एक्सपीरियंस है जब आप तजुर्बात कर रहे होते हैं जब आप लोगों से मिल रहे होते हैं जब आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होता है ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मैट्रिक करके निकला या मैं ओ लेवल्स करके निकला और मैं जो है ना मैंने अपना विजन बना लिया कि बस मेरा यह विजन है पॉसिबल नहीं है वो तजुर्बात से वो चीज़ आती है जब आप तजुर्बात करते हैं तजुर्बात करने के बाद जब आप लोगों से मिलते हैं तो उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं उस जोन में आते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच सकें कि हाँ मैं ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी से लेना क्या है ज़िंदगी बेसिकली जो मुझे मिली है उससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ तो वो फिर आप उस वक्त आइडेंटिफाई करते हैं मैप करते हैं मैप करने के बाद फिर आप फर्दर उस पर वर्किंग करना शुरू करते हैं फिर उसमें फिर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं आपका मिशन आता है मिशन के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके शॉर्ट टर्म भी गोल्स आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं फिर उसके बाद और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस पर आप टाइम टू टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं सो जो विजन की बात है विजन आपको ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन से पता चल जाएगा या कोई ख्वाब आएगा कि ये बस ये आपका विजन है ऐसा नहीं होता आप जब एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं सिचुएशन से गुजरते हैं डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हैं तो फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं आपको अपनी पर्सनालिटी का पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है आपका पैशन क्या है उसके बाद फिर आप जाके उस जोन में आते हैं जहां पर आप अपने विजन को बेसिकली मैप कर सकते हैं अच्छा उज़ैर साहब एक सवाल और है ये फेसबुक से शर्जील तारिक साहब ने पूछा है आई हैव अ क्वेश्चन आई एम अ जंगलर बिटवीन टेक्नोलॉजीज लाइक web development and android development and cloud computing does it mean I haven't found my passion yet is it true that jack of all trades can be skilled at nothing नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है जब आप अपने मिड करियर में होते हैं और जब अपने मिड 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं तो वहां पर आपने डिफरेंट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंट चीजें करनी होती हैं ताकि आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकें जब चीज़ आप एक्सप्लोर कर लेते हैं तो एक्सप्लोर करने के बाद आप एक आपका टाइम आता है जहां पर आपने चीज़ों में स्पेशलाइज करना होता है सो अगर मैं शुरू से लेट से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया सो आई स्टार्टेड माय करियर एट द एज ऑफ 18 ठीक है सो अगर मैंने अपना करियर 18 साल की उम्र में स्टार्ट किया और शुरू से ही मैं ये सोच के चल रहा हूं कि नहीं मुझे इस चीज़ में काम नहीं करना मुझे ये चीज़ मना कर देनी है मुझे ये चीज़ मना कर देनी है तो जब मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ कैसी है क्या है ठीक है सो जो आपका 20s होता है जो आपका एज ब्रैकेट 20s होता है और 30s का होता है उसमें आप एक्सप्लोर करते हैं उसमें आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे होते हैं और उसके बाद जाकर आप इन योर मिड 30s और इन योर अर्ली 40s आप डिसाइड करते हैं कि दिस कुड बी माई स्पेशलाइजेशन दिस वुड बी माई स्पेशलाइजेशन जिसमें मुझे परसू करना है सो वो फिर स्पेशलाइजेशन आप करते हैं लेट्स अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो लर्निंग में ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मना कर देंगे नहीं मैं ये वाला काम नहीं कर सकता
नहीं मुझे कंटेंट डेवलपमेंट नहीं करनी, नहीं मुझे जो है ना वो डिलीवरी नहीं करवानी, नहीं मुझे 2D एनिमेशन पे काम नहीं करना, नहीं मुझे जो है वो लेट्स से इवैल्यूएशंस पे काम नहीं करना, मुझे 3D एनिमेशन पे काम नहीं करना. सो ये सारे वो एरियाज जिस पर आप सक्सेशन प्लानिंग पे काम नहीं करना, तो ये वो सारे एरियाज पर आप काम कर रहे होते हैं. सो फिर जब आप बाद में आते हैं सो उसमें फिर आप आकर जो है स्पेशलाइज करते हैं कि HR की फील्ड में मैंने एज हेड ऑफ HR काम करना है, या मुझे एक स्पेसिफिक एरिया में जाना है, मुझे हेड ऑफ कॉम्पनसेशन जाना है, मुझे हेड ऑफ लर्निंग जाना है, या मुझे जो है वो हेड ऑफ HR ऑपरेशंस जाना है. सो टोटली योर चॉइस. लेकिन अगर आपने अपने मिड 20s में या अपने मिड 30s में एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ कि HR ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉम्पनसेशन क्या होती है, रिक्रूटमेंट कैसे होती है, ऑपरेशंस किस तरीके से चलते हैं, एम्प्लॉय रिलेशंस क्या होते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो आप कैसे हेड ऑफ HR के लिए अपने आप को परस्यू कर सकते हैं अगर आपके गोल्स में है कि आपने हेड ऑफ HR बनना है. तो अगर आपने हेड ऑफ HR बनना है तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ेंगी. आपको लर्निंग के अलावा ऑपरेशंस में भी काम करना पड़ेगा, आपको टैलेंट एक्विजिशन में भी काम करना पड़ेगा, आपको कॉम्पिटेंसीज भी फ्रेमवर्क करनी पड़ेगी, आपको जो है सक्सेशन प्लानिंग में भी काम करना पड़ेगा, आप जो है वो ऑपरेशंस में भी काम करेंगे, तभी तो जाकर आप जो है वो फिर एक टाइम पे आके एक जोन में आके आप हेड ऑफ HR के लिए अपने आप को देख सकते हैं. बट ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप शुरू में एक्सप्लोर करते हैं, जब आप एक्सप्लोर कर लेते हैं चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आप जो है एक पर्टिकुलर एक रोल की तरफ आते हैं जहां पर आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं. अब चूंकि सेशन का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अहम तरीन सवाल है. सवाल ये है कि इतने सारे कोर्सेज के नाम आपने शुरू में बताए सॉफ्ट स्किल के, फिर हमने थोड़ी सी हार्ड स्किल की भी बात की, तो कुछ इदारों के नाम भी बताएं कि जहां पर कुछ इदारे हैं, कुछ ट्रेनर्स हैं कि जिनके पास लोग जाकर जो है ना वो इस्तेफादा कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था तो आप डिप्लोमा कर रहे हैं CIPD से, जी जी, UK से. ये इसका क्या तरीका होता है? आपने वो पॉसिबिलिटीज से कैसर अब्बास के पास से सक्सेस सर्टिफाइड सक्सेस कोचिंग कोर्स किया है, TTT ट्रेनर कोर्स किया है, SOL से और कार्नेलियन से, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपने किए हुए हैं, तो ये भी जरा गाइड करें कि ये पाकिस्तान में कराची में ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जहां पर जो देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जो डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें कार्नेलियन एक इदारा है जो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग से रिलेटेड, जहाँ पे ट्रेनिंग्स वगैरह की चीज़ें चल रही होती हैं. इसी तरीके से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, PIM में डिफरेंट डिप्लोमास, PIM डिफरेंट डिप्लोमास करवा रहा होता है. यूसुफ गिव मी अ मिनट. तो PIM एक इदारा है, PIM जो है वो डिफरेंट डिप्लोमास करवा रहा होता है. इसी तरीके से PIQC एक इदारा है गुलशन में, ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमास प्रोग्राम करवा रहे होते हैं. इसी तरीके से CIPD जो है वो इट्स इंटरनेशनल रिकग्निशन क्वालिफिकेशन, जो कि डिप्लोमा करवाती है HR में और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में. इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जब एवेडो एंड ICS लर्न के UK की एक इदारा जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं. ये सब एक मिनट दिएगा मुझे. इसी तरीके से और बहुत सारे इदारे हैं, स्कूल ऑफ लीडरशिप जो है बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है कैपेसिटी डेवलपमेंट में, यंगस्टर्स की डेवलपमेंट में. इसी तरीके से स्कूल ऑफ लीडरशिप के अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IBM, ZABIST, इकरा यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी, इनके एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर्स डिफरेंट वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स करवा रहे होते हैं. KSBL जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है डिफरेंट वेबिनार सेमिनार्स अरेंज करवाने में. तो इसी तरीके से बड़े सारे इदारे जो काम कर रहे हैं. पॉसिबिलिटीज एक इदारा है लाहौर में जहाँ से मैंने सक्सेस कोचिंग का सर्टिफिकेशन किया हुआ है, और कोचिंग के बारे में कैसर अब्बास साहब जो बड़े रिनाउंड ट्रेनर हैं उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें. इसी तरीके से जो है फिर ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो TTYT ट्रेनर यंग ट्रेनर मैंने किया था स्कूल ऑफ लीडरशिप से, बड़ा ज़बरदस्त एक सर्टिफिकेशन था जिसमें ट्रेनिंग की आपको डिटेल चीज़ें बताई जाती हैं. और तो बहुत सारे इदारे जो डिफरेंट चीज़ें करवा रहे हैं. तो वही वाली बात है कि आप एक्सप्लोर करें. अब तो गूगल हमारे पास मौजूद है, गूगल में गूगल पे आप जाकर आपका जो भी पैशन है, जो भी चीज़ें आप वो लिखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपकी सारी आ जाएंगी. सो किस तरीके से आपने आपका पैशन क्या है और आपने क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है, वो सब चीज़ें मौजूद हैं. अब एवरीथिंग इज़ ऑन गूगल. आप गूगल पे जो आपने आपका पैशन है वो आप ज़रा राइट डाउन कीजिए, आपके पास पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ सर्चेज आ जाएंगे जहाँ पर जाकर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं. और बड़े सारे इदारे हैं जो पाकिस्तान में बड़े सारे इदारे हैं जो डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह सब चीज़ें करवा रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है.
जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे इदारों के नाम आपने बताए, सारी तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के जो है वो ये ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं। एक इदारा है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मैं उसका नाम भी ऐड करना चाहूंगा, सरदार यासीन मलिक। बिल्कुल। इस इदारे की खास बात यह है कि यहाँ पर जो कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट, और उसकी फीस मेरे ख्याल है कोई 2,000-1,500 और मैक्सिमम 3,000, इससे ज्यादा ये पैसे नहीं लेते। उसमें भी कराची यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको 50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मतलब जो कि पिम्स और पीएसटीडी और आईओबीएम और आईबीए ये महंगे इदारे हैं और आम स्टूडेंट जो है वो जो खासतौर पर जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इनको के लिए ये इदारा जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उजैर साहब, अंदाजा है कि आप मसरूफ थे लेकिन उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। एक फीडबैक फॉर्म मैंने शेयर किया है, ये गूगल फॉर्म है, तो तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है और जो जूम पर मौजूद हैं वो इस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरें, हमें इस सेशन के बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि आइंदा हम और कौन कौन से कोर्स जो है वो ऑनलाइन नशर कर सकते हैं। ये वीडियो जो है वो हमारे फेसबुक सफ़े पर मौजूद हैं और यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं, चेज़ब यूनिवर्सिटी हमारे फेसबुक सफ़े का नाम है। उजैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच यूसुफ फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, इट वॉज लवली मीटिंग यू, इट वॉज लवली मीटिंग फरीहा एंड सना, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक साहब पूछ रहे हैं सर कैन वी गेट नंबर ऑफ सर उजैर, बिल्कुल दे दीजिए जी, मैं आप जरूर शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज टू ऑल, अल्लाह हाफिज टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।